सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट, जो SBI की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया है उनके बारे में बात करेंगे, और ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें बाकी डिटेल आपको जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब संबंधी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इसको बता दें कि जो SBI की तरफ से जो पोस्ट निकला है उनका नाम है स्पेशल कैडेट ऑफिसर, और स्पेशल कैडेट ऑफिसर के लिए आपको क्या क्या चाहिए उनके लिए भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो टाइम है ये 16 जून को बताया गया है, और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो है 2 जून, 16 मई से लेकर के 2 जून के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप इस लिंक पे या इस लिंक पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या एज कैटेगरी आपको जो भी है ठीक है ना फुलफिल करने के लिए आपको कैसे करना है वो डिटेल आप जान लीजिए, तभी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों उसके लिए जो पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुल 14 पोस्ट है लेकिन वैकेंसीज इसका ज़्यादा है ठीक है। तो इसका जो पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट का नाम है जो है जनरल मैनेजर IT डिपार्टमेंट का, जनरल मैनेजर असिस्टेंट लाइबिलिटीज़ का, डाय जनरल मैनेजर जो है एंटरप्राइज़ का, और असिस्टेंट मैनेजर जो है एंटरप्राइज़ का, और ये जो है चीफ मैनेजर है, ये कैटेगरी में चीफ मैनेजर आएगा, और जो सीनियर कंसल्टेंट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो डेटा ट्रांसलेटर, डाटा क्रिटिक और डेटा ट्रेनर। टोटल 14 पोस्ट है, इसका जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी इससे कहीं ज़्यादा हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं, जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर डाई जनरल मैनेजर है उनके लिए जो है MCA होना ज़रूरी है, या नहीं तो BTech होना जरूरी है, और साथ में आपको कम से कम लेकर के 14 ईयर्स से लेकर के आपको जो है 18 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस होना है। यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके लिए दूसरा पोस्ट है, आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है इसमें 3 ईयर्स का दिया हुआ है, यदि आपको कम से कम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप जो है ये डेटा ट्रांसलेटर आर्किटेक्ट और ट्रेनर में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 3 से लेकर के 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बाकी का डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है और इसका सैलरी कितना है। दोस्तों मैंने देखा था इसका जो सैलरी है वो करीब करीब 1 लाख रुपए तक हर महीना आपको मिलेगा सैलरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी जो है जो जनरल मैनेजर डाई जनरल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए भी जो सैलरी है ये करीब आपको 60,000 से लेकर के आपको 1 लाख पर मंथ तक ये जो है सैलरी दिया हुआ है। जो अदर कैटेगरी हैं जिसमें कि आपको ये मैनेजर सिक्योरिटी असिस्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट डेटा ट्रांसलेटर आर्किटेक्ट और ट्रेनर इनका जो सैलरी है इनका भी करीब करीब आपको देखिए 40,000 से लेकर के आपके यहाँ पे भी 70,000 तक जो है सैलरी इसमें दिया हुआ है। तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन का फ़ीस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 750 रुपीज़ इसका है, लेकिन इसका जो है वो अदर कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। यदि आप SC ST में आते हैं तो 125 रुपीज़ में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इसमें जा सकते हैं ऑनलाइन यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोटोकॉपी सिग्नेचर आपको चाहिए और वैलिड ID प्रूफ चाहिए, जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।